सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकुर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एनालिसिस। सो गाइस, यदि आप अपने साइंस एग्जीबिशन या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा सा साइंस प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 फिजिक्स प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका यूज़ आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर साइंस एग्जीबिशन में कर सकते हैं। सारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारे प्रोजेक्ट के साथ आपको एक वेल प्रिपेयर्ड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट PDF भी मिलेगा, और इन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 5 पे हमने जो प्रोजेक्ट रखा है उसका नाम है DC मोटर वर्किंग मॉडल। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसी के सेम प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। इसमें हमने सिंपल एक मैग्नेट, एक क्वाइल और एक बैटरी का यूज़ करके इसको बनाया है। ये एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है, और इसके साथ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट PDF भी अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। तो नंबर 4 पे हमने जो प्रोजेक्ट रखा है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डोर बेल। ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट है। यदि आप साइंस एग्जीबिशन के लिए कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने एक DC मोटर और बैटरी का यूज़ करके कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया है कि ये बिल्कुल एक रियल डोरबेल की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, नंबर 3 पे हमने जो प्रोजेक्ट रखा है उसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यदि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये एक बेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर क्लास 12th में एक डेडिकेटेड चैप्टर है। बेसिकली इस मॉडल में हम कैपेसिटर के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग फिनोमेना को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, और इसके साथ भी आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट फाइल मिलने वाला है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से लगभग 90% लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए एक सब्सक्राइब बटन हो सकता है, बट फॉर अस इट मीन्स अ लॉट। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए बढ़ रहे हैं हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। नंबर 2 पे हमने जो प्रोजेक्ट रखा है उसका नाम है वायरलेस पावर ट्रांसमीटर। ये मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन मॉडल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें हमने 2 कॉइल यूज़ किया है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में हमने रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और बैटरी कनेक्ट किया है, और सेकेंडरी कॉइल में हमने LED कनेक्ट किया है। प्राइमरी कॉइल में हमने कुछ इस तरीके का सर्किट बनाया है कि उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण सेकेंडरी कॉइल में चार्ज इंड्यूस होता है, जिससे कि वो LED ग्लो करता है। ये भी एक बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है, और इसके साथ भी आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट PDF मिलेगा। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट की ओर। नंबर 1 पे हमने जो प्रोजेक्ट रखा है उसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक थर्मल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये थोड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है, इसका कॉस्ट लगभग 300-400 के बीच में आपको आएगा, बट ये एक बेस्ट प्रोजेक्ट है, और इसके साथ भी आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट फाइल मिलेगा, तो आप इसको भी बना सकते हैं, और ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है। सो गाइस, आई होप ये सारे प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे मॉडल या फिर PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर उस पर एक वीडियो लाऊंगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।